गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और फाइव पैसा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज मार्केट का हाल कैसा रहेगा। साथ ही देखेंगे फाइव मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे और देखेंगे स्टॉक से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आउटलुक की। निफ्टी को अराउंड 18,100 का सपोर्ट मिल रहा है और 18,350 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को अराउंड 37,900 का सपोर्ट मिल रहा है और 38,860 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। आइए अब बात करते हैं फाइव मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। कैश डिलीवरी की बात करें तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं 7 से 10 दिनों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं इन्फो एज की, जहां पर रिकवरी ऑन कार्ड्स है, तो इसे आप बाय कर सकते हैं 5,696 पर। स्टॉप लॉस 5,550, पहला टारगेट 5,860 और दूसरा 5,985 पर रख सकते हैं। इसके बाद आता है तालना प्लेटफॉर्म्स, जहां पर फर्दर बाइंग एक्सपेक्टेड है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 2,062 पर। स्टॉप लॉस 2,010, पहला टारगेट 2,118 और दूसरा 2,220 पर। फिर है CMS इन्फो, जहां पर पॉजिटिव चार्ट नजर आ रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 295 पर। स्टॉप लॉस 289, पहला टारगेट 301 और दूसरा 312 पर रख सकते हैं। फिर है वर्धमान टेक्सटाइल्स, जहां पर पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 2,690 पर। स्टॉप लॉस 2,620, पहला टारगेट 2,765 और दूसरा 2,850 पर रख सकते हैं। फिर आता है रेडिंगटन इंडिया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नजर आ रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 174 पर। स्टॉप लॉस 169, पहला टारगेट 179 और दूसरा 187 पर रख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं उन कॉल्स की जो हमने आपको रिकमेंड किए थे और देख लेते हैं कि उनका इन दिनों परफॉर्मेंस कैसा रहा। ग्लोबल स्पिरिट वेंट अप 9.5% टच बोथ टारगेट्स, पॉलीकैब वेंट अप 2.8% टच फर्स्ट टारगेट, LT वेंट अप 1.6%। अब बात कर लेते हैं स्टॉकिंग न्यूज़ की। इसमें हम आज बात करेंगे HDFC, मेट्रो ब्रांड्स और अल्ट्राटेक सीमेंट की। सबसे पहले HDFC की बात करें तो HDFC बैंक ने सैटरडे को थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल 22 रिजल्ट्स रिपोर्ट किया। नेट इंटरेस्ट इनकम 13% बढ़ा एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर टू रुपीज 18,443.5 करोड़ अमिड अ 16.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन एडवांसेस। बैंक का नेट प्रॉफिट 18% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ टू रुपीज 10,342 करोड़। मेट्रो ब्रांड्स ने भी सैटरडे को थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट किए। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ा 59% ईयर ऑन ईयर टू रुपीज 484 करोड़। वहीं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऊपर गया 53% एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर टू रुपीज 102 करोड़। अल्ट्राटेक की बात करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी आज थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल 22 रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। रेवेन्यूज आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 1,21,337 मिलियन, दैट इज 2.6% अप ईयर ऑन ईयर। वहीं एबिटा की बात करें तो एबिटा इज सीन एट रुपीज 25,597 मिलियन, दैट इज डाउन 13.1% एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। मॉर्निंग आउटलुक में फिलहाल के लिए इतना ही। स्टॉक रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल फाइव पैसा के साथ बने रहें, और आपके कोई सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल फाइव पैसा को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। स्टे ट्यून्ड।